डी यर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज पर्सनल सेफ्टी पर्सनल सेफ्टी हैज मैनी आस्पेक्ट्स विद रेलिवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑस्पेक्ट इज इम्प्रूविंग सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग वर्क प्लेस स्ट्रेस अगर आप लोग वर्क प्लेस स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं और इम्प्लॉय की सेफ्टी को एनहानस करना चाहते हैं देन वट यू हैव टू डू ट्रेनिंग कैन हेल्प पीपल ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन पर्सन टू अनदर सो ही शी कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन अ बेटर वे ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस स्ट्रेस को कम करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हायर करें लोगों को मोटिवेट करें उनकी जॉब की इंपॉर्टेंस एनहांस करें उन्हें मालूम हो व्हाट आर दे डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर द वैल्यूएबल एसेट इन द ऑर्गेनाइजेशन जब इन चीज़ों का उन्हें आइडिया होगा ऑटोमेटिकली वर्क प्लेस स्ट्रेस में कमी का बायस बनेगी मैनेजर्स कैन रिड्यूस रोल एम्बेगुटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ की कमी पाई जाती है रोल एम्बेगुटी रोल एम्बिगुटी का ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डी दी गई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है वेल well शेयर नहीं है वेल well रिटर्न नहीं है कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लाईज नहीं है जब आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट यू कैन डू इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाकी इंप्लाइज को भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट ही शी कैन डू इन द ऑर्गेनाइजेशन इसको डी स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि वी शुड अवॉइड फ्रॉम रोल एम्बेगुटी और जब रोल एम्बेगुटी से आप बच जाएंगे ऑटोमेटिकली वर्क स्ट्रेस में कमी वाक़ हो जाएगी द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर रिकमेंडेड फॉर रिड्यूसिंग वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट रिकगनाइज वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड टेक स्टेप्स रेगुलरली टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस डेली बेसिस पे इम्प्लाई का डेटा हो कि कौन सा एम्प्लॉज अंडर स्ट्रेस है कौन सा एम्प्लॉज अंडर ट्रीटमेंट है किस इम्प्लॉई को हम लोगों ने ज़्यादा केयर देनी है मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन द इम्प्लॉज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज समाइम आपको मालूम ही नहीं होता कि आपकी इम्प्लॉज को मेंटल हेल्थ रिक्वायर्ड है या उसको कोचिंग रिक्वायर्ड है या देर इज समॉब्लम रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ ऑफ योर एम्प्लॉइज आपको मालूम है कि ब्रेन से ही तमाम बॉडी को कंट्रोल किया जाता है अगर मेंटली सम इज सिक इल यू शुड कैप्चर दैट पर्टिकुलर नीड ऑफ द अब अगर इसको देखा जाए इम्प्लायर के एस्पेक्ट से तो जो पहला बुलेट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है द हैज अ फॉर्मल इम्प्लाई कम्युनिकेशन प्रोग्राम अब हमें मालूम है कि तमाम इम्प्लाइज की एक्सेस इंप्लायर के साथ नहीं हो सकती लेकिन जो आपके सी हैं चीफ एग्जैकटिव ऑफिसर्स हैं जनरल मैनेजर्स हैं या टॉप टीय ऑफ आर्गनाइजेशन हैं उनकी अपनी टॉप मैनेजमेंट सी जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं उनके साथ एक्सेस होनी चाहिए ताकि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दे कैन कंट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑनर और उनसे डिसीजन लेके बाकी लोगों तक कम्युनिकेट किया जा सके इम्प्लाइज आर गिवन इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू कोप विद स्ट्रेस वर्कर्स हैव करंट एक्ट एंड क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड एम्प्लाइज टॉक ओपनली विद वन एंड अदर अगर ये चीजें आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव होगी और वर्क स्ट्रेस रिड्यूस होगा एम्प्लाईज आर रिकोगनाइजिंग एंड रिवार्डिंग विद नॉन मॉनेटरी प्राइज इज फारद कंट्रीब्यूशन ये लाजम नहीं है कि एम्प्लॉय को मॉनेटरी रिवार्ड ही दिया जाए आप अपने एम्प्लॉय को वेल डन एक्सीलेंट यू आर डूइंग गुड वी आर प्राउड ऑन यू योर वर्क इज़ रियली वेरी कंट्रीब्यूटिट दर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि नॉन मोनिटरी हैं लेकिन इम्प्लाई के मोबाइल को हाई करने का बायस बनते हैं अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स वर्क रूल्स आर पब्लिश एंड आल द सेम फॉर एवरी वन चाइल्ड केयर प्रोग्राम आर अवेलेबल इम्प्लाइज कैन वर्क फ्लेक्सीबल आर्स अगर ये आप काम करें ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑटोमेटिकली जो वर्क स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा और इम्प्लॉ की जो सेफ्टी है पर्सनल वो एनहानस होगी अगर फर्दर हम इसको ऐड करें तो वर्कर्स हैव द ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस दैट दे नीड मोस्ट ऑफ़ द टाइम इट हैज बिन ऑब्जर्व्ड इन मेजर ऑफ द दर्गनाइजेशन इम्प्लाईज आर वर्किंग मैनुअली अब जहाँ पे इंप्लाई मैनुअली डी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके रिजल्ट्स वो नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस चीज़ों से काम लिया जा रहा है वर्कर्स हैव अ प्लेस एंड टाइम टू रिलैक्स ड्यूरिंग द वर्क डे एम्प्लाई के पास लइे टाइम स्पेंडिंग के लिए रिलैक्सेशन के लिए टाइम होना चाहिए अगर रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं है तो वो इम्प्लॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडर स्ट्रेस आ जाएगा वर्क स्पेस आर नॉट क्राउडेड फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हेयर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अगर मेरी स्पेस क्राउडेड है तो दस बीस लोग मुझे कवर कर रहे हैं दाएँ बाएँ से तो मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी सफोकेशन हो जाएगी अगर मैं अकेला हूँ और मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ या पीछे की तरफ राइट और लेफ्ट जो जॉस जो मेरे जेस्टर एंड पोस्टर्स हैं अगर उनको फ्री स्पेस में जाएगी ऑटोमेटिकली आई विल बी मेंटली रिलैक्स तो क्राउडिड एरियाज आर्गेनाइजेशन में नहीं होने चाहिए मैनेजमेंट अप्रीशियट ह्यूमर इन द वर्क प्लेस लिटिल बिड मजाक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए अगर आप मजाक को फॉलो करते हैं ह्यूमर को फॉलो करते हैं तो इम्प्लाईज विल बी भी एल्डर केयर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल

सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट आर नॉट इजी टास्क ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोफेशनस हैं अगर आप इन प्रोफेशन में आते हैं तो पहले ही जेन अपना बना लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जो जॉब है वो स्ट्रेसफुल है ओवर लोड एवर चेंजिंग सेफ्टी रेगुलेशन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये वो टेक्निकल इशूज हैं जो कि स्ट्रेस का बायस बनती हैं और अगर आप लोग चाहें कि ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी को एनहांस करना है स्ट्रेस को कम करना है तो इन फैक्ट्री पर हमें फोकस करना होगा स्ट्रेस एंड वर्कर्स कंपनसेशन देर आर सीरियस प्रॉब्लम विद वर्कर्स कंपनसेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द वन हैंड देर इज एविडेंस ऑफ अब्यूज ऑफ सिस्टम लेकिन दूसरी तरफ क्या है उनके कंप्लेन, complaint, कंप्लेंट्स उन लोगों की या उनके क्लेम्स तो उनको बिल्कुल आनंद किया जाता है और इम्प्लॉज को पे किया जाता है स्ट्रेस वर्कर्स कंपनसेशन की अगर हम लोग देखें कंक्लूजन तो ये स्टूडेंट्स ये है एज अ रिजल्ट इवन दो बेनिफिट्स अवार्डेड फॉर स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज आर लेस आर एंड दोज अवार्डेड फॉर फिजिकल इंजरीज द कास्ट ऑफ स्ट्रेस क्लेम इज ऑफन हायर दैन बिकॉज ऑफ द लिटिगेशन इसमें दो कंसेप्ट आपको बयान किए गए हैं पहले हिस्से में ये कहा गया है कि जो स्ट्रेस रिलेटेड इंजरीज हैं उनमें बेनिफिट्स इंप्लाई को कम मिलते हैं फिजिकल इंजरीज की नस्बत लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट पार्ट में है और वो क्या पार्ट है कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस क्लेम इज ऑफन हायर देन दिकॉज ऑफ द लिटिगेशन अगर आप कानूनी तौर पर जंग लड़के अपना केस जीतते हैं तो उससे किसी हद तक जो कास्ट ऑफ स्ट्रेस क्लेम कर रहे हैं आप लोग वो बहुत ज़्यादा हो गए तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से बचा जा सके